लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई के पनवेल में शनय ऑटिज्म रिसोर्स सेंटर की स्थापना की गई। आज इसका उद्घाटन बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर एवं स्थानीय विधायक प्रशांत ठाकुर के हाथों किया गया। सोपान संस्था द्वारा स्वमग्नता के शिकार बच्चों को शिक्षण एवं प्रशिक्षण देने के लिए इस सेंटर की शुरुआत की गई है। बीजेपी नेताओं ने इसका शुभारंभ करते हुए विश्वास जताया कि यह सेंटर दिव्यांग बच्चों के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। देखिए रिपोर्ट। तस्वीर में दिख रहा यह नवीन पनवेल सेक्टर 7 का शनय ऑटिज्म रिसोर्स सेंटर है, जिसे सोसाइटी ऑफ पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रेन विद ऑटिस्टिक डिसऑर्डर यानी सोपान संस्था ने प्रारंभ किया है। स्वमग्नता के शिकार बच्चों को शिक्षण और प्रशिक्षण देने के लिए स्थापित इस सेंटर का आज बीजेपी नेता अतुल भातखलकर और विधायक प्रशांत ठाकुर के हाथों लोकार्पण किया गया। यहाँ स्वमग्नता ग्रस्त दिव्यांग बच्चों का जीवन संवारने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं, शिक्षक और थेरेपिस्ट उपलब्ध कराए गए हैं। उद्घाटन के बाद बीजेपी नेता अतुल भातखलकर एवं स्थानीय विधायक प्रशांत ठाकुर ने इस ऑटिज्म सेंटर को पनवेल और रायगढ़ के बच्चों के लिए वरदान बताया जिन्हें ऑटिज्म डिसऑर्डर्स हैं। आइए सुनाते हैं बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा। पनवेल और रायगढ़ जिला के इस प्रकार के जो बच्चे हैं उनको तो बहुत बड़ी राहत मिलेगी। उनका ट्रेनिंग, उनका केयर करना और उनके जो अभिभावक हैं उनको भी उसके कारण बहुत बड़ी मदद शत प्रतिशत होगी। और ये कानून है कि 3% स्थानीय स्वराज्य संस्था ने अपने बजट का खर्चा ये दिव्यांग लोगों के ऊपर करना चाहिए, तो उसको भी इस प्रकार के सेंटर से, इस प्रकार के उपक्रम से और ज़्यादा मदद मिलेगी। और वो खर्चा करने के कारण भी 3% ये तो मिनिमम लिमिट है, उसके आगे भी वो स्थानिक स्वराज्य संस्था जा सकती है। सोपान संस्था ने ऑलरेडी 2015 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब बीएड का कोर्स हमने चालू किया। सद्य परिस्थिति में वो जोगेश्वरी में चल रहा है। अभी यहाँ खुद की वास्तु है, बड़ी वास्तु है, तो यहाँ वो शिफ्ट करने का हमारा मनोदय है। तो प्रशांत ठाकुर जी है यहाँ के विधायक, उनके प्रयास से, मेरे प्रयास से और ट्रस्टी लोगों के प्रयास से हम वो जोगेश्वरी से यहाँ शिफ्ट करेंगे और आने वाले दिन में इसके बारे में उसकी और प्रगति हो इसके लिए भी हम जरूर प्रयास करेंगे। शनय ऑटिज्म रिसोर्स सेंटर, इसके माध्यम से आज जो ये काम यहाँ पर शुरू हो रहा है, इस काम में जितनी हो सके हम अपनी ओर से सहायता करें, अपनी ओर से इस काम को खड़ा करने में अपना प्रयास जोड़े। इसके लिए सम्माननीय अतुल जी के नेतृत्व में जो काम मुंबई में खड़ा हुआ, डॉक्टर रुबीना लाल जी और उनके सारे सहयोगियों ने मिलकर ये काम खड़ा किया हुआ है, उस काम को पनवेल के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉरपोरेशन का रिस्पॉन्स हो, सिडको का रिस्पॉन्स हो, किस तरीके से अच्छा मिल सकता है, तेज़ गति से ये सारे कार्य पूर्ण हो, इसके लिए जो जो करने की आवश्यकता है जरूर करेंगे। इस अवसर पर संचालिका प्रोफेसर रुबीना लाल ने शनय ऑटिज्म रिसोर्स सेंटर के मिशन और सेवा सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने कोटक बैंक द्वारा 6 करोड़ की CSR निधि देने पर भी आभार जताया। प्रोफेसर रुबीना लाल ने कहा कि यदि पनवेल महानगर पालिका इस सेंटर को आर्थिक मदद देती है
तो यहाँ मुफ्त शिक्षण और प्रशिक्षण देकर स्वमग्नता के शिकार ज़्यादा बच्चों का जीवन संवारा जा सकता है। सेंटर के तीन भाग होंगे, एक जो हमारा स्कूल चलेगा, स्कूल और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, और एक होगा जो रेस्पाइट केयर, हम और तीसरा हमारा कॉलेज रहेगा। हम यहाँ बच्चों को ऐसा नहीं है कि स्कूल गोइंग जो एज होता है कि 6 साल के बाद ही लेंगे, जो अर्ली इंटरवेंशन, जो बहुत पूर्व हस्तक्षेप कहते हैं जिसको हिंदी में, उसमें बच्चा जैसे पता चलता है कि बच्चा को किसी तरह की दिव्यांगता है या शक है कि है, तो ऐसे में 1 साल का हो, 1.5 साल का हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद हो जाए, दिव्यांग हो जाए, तो ऐसे बच्चों को अर्ली इंटरवेंशन देते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, टीचर्स हैं, सब जो हमने यहाँ ऑलरेडी यहाँ पर अपॉइंट कर लिए हैं, वो उन बच्चों के साथ उस समय से काम करना चालू करेंगे। और जो स्कूल गोइंग एज का है या 4 साल 5 साल के बच्चे हैं, वो स्कूल के लिए आएंगे तो कितनी देर बैठ सकते हैं, क्योंकि अभी आप 4-5 साल का बच्चा फुल डे ऐसे भी स्कूल नहीं करता है, जनरल स्कूल में भी आप देखें तो 2-3 घंटे का उनका भी जो प्रोग्राम रहेगा उसमें भी थेरेपी रहेगी, उसमें भी टीचर का ट्रेनिंग रहेगा और पेरेंट्स का काउंसलिंग गाइडेंस पेरेंट्स को पूरा, क्योंकि घर में जो काम कर सकते हैं वो यहाँ स्कूल में पूरा नहीं होता। 10 साल 12 साल के उनको फुल डे स्कूल है, और जो समझे कि 14-15 साल से 18 साल तक हम रख सकते हैं, तो उनको हम लोग कोई वोकेशनल ट्रेनिंग सिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।